समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने 18 मई को सभी निकाय मंडलों की बैठक बुलाई थी, उसके बाद अपने खास खास नेताओं को दोबारा 19 तारीख को बुलाने की भी खबर सामने आई थी। हालांकि इस मीटिंग में महत्वपूर्ण पदाधिकारी है वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए वही मौजूद रहे थे, इसके अलावा कोई भी नेता पदाधिकारी मौजूद नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए अब्बास अली जैदी रुशैदी को बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गई है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर प्रभारी एक बहुत बड़ा पद होता है और प्रभारी हर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। प्रभारी आपको बता दें कि महत्वपूर्ण पद बीएसपी में शुरुआत से माना जाता रहा है, और ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से आए अब्बास अली जैदी रुशैदी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रभारी का पद देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अब्बास अली जैदी को, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनको आपको बता दें कि 4 मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने यहां पर और पूर्वांचल के जो मंडल है उनको आपको बता दें कि 4 मंडलों की एक साथ जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सौंपी गई है, और अब्बास अली जैदी को अब आगरा सहित 4 पूर्वांचल के जो क्षेत्र है उन पर जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, और उन्हीं के अंदर वो बहुजन समाज पार्टी के लिए आगे पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। मिले किस नोटिस अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।